हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ इस तरह के वीडियो में कलर ग्रेडिंग करके बताने वाला दोस्तों, उससे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो। बहुत ही सिंपल और आसान स्टेप है दोस्तों, कुछ इस तरह से अपने वीडियो में कलर ग्रेडिंग कर सकते हो दोस्तों, 1 से 2 मिनट के अंदर। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली दोस्तों करना क्या, आपको एक एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक अलाइट मोशन दिखाई दे रहा होगा। सिंपली तो उसको सिंपली करना है, इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, जैसा कि देख सकते हो। तो फाइनली दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको नो फैंस होलो वगैरह से सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पे ऑप्शन पे आ जाएंगे, जैसा कि देख सकते हो दोस्तों। सिंपली यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और यहाँ से मीडिया वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे, और यहाँ से आपको वीडियो को, जिस वीडियो को आपको कलर ग्रेडिंग करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ से ऐड कर लिया, जैसा कि देख दोस्तों देख सकते हो। तो सिंपली उसको पहले मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से देखने को मिल रहा है दोस्तों ये। दोस्तों फाइनली कुछ इस तरह से स्टार्टिंग हो रही है, वीडियो में देख रहे हो कुछ इस तरह से हमारा नॉर्मल वीडियो एडिट करने में दोस्तों किस तरह से हो जाएगा। दोस्तों सिंपली चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली वीडियो पे क्लिक करना है, और दोस्तों यहाँ से आपको एक कोने में राइट साइड में दोस्तों, जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर आप एक इफेक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली इस पर टैप करेंगे दोस्तों, और यहाँ से ऐड इफेक्ट पे आएंगे दोस्तों, और यहाँ से आपको करना क्या है जैसा कि देख सकते हो। तो दोस्तों सर्च वाले ऑप्शन पर आना है, और यहाँ से आपको लिख लेना है चैनल, लिख लेना है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों पहला ही आपको देखने को इफेक्ट मिल जाता है, जैसा कि देख सकते हो ये वाला। तो सिंपली हम इसको ऐड कर लेते हैं पहला, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे, और पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है दोस्तों। सिंपली करना क्या, 4 लाइन देखने को मिलता है। तो सिंपली दोस्तों हमें करना क्या, सेकेंड लाइन में वाई को सिलेक्ट कर लेंगे, और दूसरा दोस्तों तीसरे लाइन में जो हमारा जी को सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, जैसा कि देख सकते हो हमारे वीडियो में इफेक्ट आ गया है। दोस्तों सिंपली यहाँ से आ जाएंगे बैक, बैक आने में दोस्तों सिंपली करना क्या, फिर से यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, और यहाँ से फिर से ऐड इफेक्ट पे आ जाएंगे दोस्तों, और यहाँ से फिर से सर्च बार में आएंगे, सिचुएशन सर्च कर लेंगे ऐसे। दोस्तों पहले ही आपको दिखाई दे रहा होगा सिंपली ये इफेक्ट है, यहाँ फर्स्ट नंबर पर दिखाई दे रहा है। तो सिंपली इसको करना क्या, इसको ऐड कर लूँगा, और फिर से दोस्तों इसे इस तरह से कर लेना है दोस्तों, जैसा कि देख सकते हो। और सिंपली करना है कि आपको यहाँ पे एक 3 बिंदु दिखाई दे रहा है, जैसा कि देख सकते हो लास्ट में। तो दोस्तों सिंपली इस पे क्लिक करना है दोस्तों नीचे की साइड में, और यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों सिंपली करना है यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ -20 के 25 के आसपास कर लेना है कुछ इस तरह से, 25 कर लिया दोस्तों। और यहाँ से आ जाऊँगा मैं बैक आ जाऊँगा, बैक आने का दोस्तों सिंपली करना है यहाँ से फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ से फिर से ऐड इफेक्ट पे आ जाएंगे, और यहाँ से सर्च बार वाले ऑप्शन पे आएंगे, और यहाँ से दोस्तों सिंपली करना है कॉपी लिख देना है कुछ इस तरह से। तो आपको दोस्तों सिंपली यहाँ से आधे कॉपी बैकग्राउंड आ जाएगा, जैसा कि देख सकते हो। तो सिंपली इस पर टैप कर लेंगे, और कुछ इस तरह से इसको अप्लाई कर लेना है अपने वीडियो में। तो दोस्तों देख ही सकते हो आप वीडियो किस तरह से देखने को मिल रहा है। रोड पे क्लिक करेंगे, इसमें दोस्तों थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है, सिंपली इस पर टैप करेंगे, और यहाँ से थोड़ा एडजस्ट करेंगे अपने वीडियो को अकॉर्डिंग, जैसा कि दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरह से रख लेना है। और यहाँ से फिर से आ जाएंगे बैक, बैक आने का दोस्तों सिंपली करना क्या है, यहाँ से फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन में आना है, और यहाँ से आपको एक और इफेक्ट को ऐड करना है। तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पर आएंगे यहाँ से, और सर्च वाले ऑप्शन में लिख देना है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है। तो सिंपली आपको यहाँ से दोस्तों सिंपली ये फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसा कि देख सकते हो। सिंपली इसको हमें अपने वीडियो में अप्लाई करने दो, था फोर्थ नंबर वाला इफेक्ट ये है कुछ इस तरह से, और यहाँ से अप्लाई वाला कर लेंगे कुछ इस तरह से। और ये होने वाला दोस्तों सिंपली क्या है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और यहाँ से थोड़ा सा एक्सपोजर को थोड़ा दोस्तों दोस्तों क्या करना है, -65 कर देना है, 65 के आसपास रख लेंगे अपने वीडियो को अकॉर्डिंग। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो मैं इतना कर लेता हूँ दोस्तों सिंपली, तो यहाँ से थोड़ा मैं -30 ही कर लेता हूँ, और दोस्तों नीचे आना दोस्तों सिंपली यहाँ से इसको हम 930 कर दे देंगे दोस्तों सिंपली कुछ इसे कर इससे कर लेते हैं, 980 कर लेंगे दोस्तों सिंपली होने के बाद, और नीचे वाला ऑप्शन में आएंगे तो -02 कर देंगे इसको कुछ इस तरह से कर लेंगे दोस्तों, जैसा कि देख सकते हो हमारा वीडियो कैसे लग रहा है। तो सिंपली यहाँ से ये होने के बाद करना क्या, अब दोस्तों सिंपली प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से इस वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से इसको हम पूरा फुल कर देंगे कुछ इस तरह से, बैकग्राउंड को फुल करने का दोस्तों सिंपली करना है यहाँ से कलर वाला ऑप्शन पर आ जाए, और यहाँ से इसको हम रेड कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से आ देंगे बैक दोस्तों, बैक आना है दोस्तों सिंपली करना है ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको एक फोर्थ नंबर पर ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली इस पर टाइप कर देंगे दोस्तों, और यहाँ से हमें इस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ से हम इसको थोड़ा अपने वीडियो अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। और मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो किस तरह से देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों पहले मैं इफेक्ट को लास्ट तक कर लेता हूँ अपने वीडियो के एंड तक, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से।
तो दोस्तों यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो अपने वीडियो को कोडिंग। तो उसमें भी दोस्तों ये हमारा ये हो गया इतना, तो यहाँ से मैं बैक, और बैक करना दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इसी तरह का चैनल दोस्तों वीडियो मिलता रहेगा। तो आप देख ही सकते हो हमारा वीडियो रेडी हो चुका है। तो दोस्तों सिंपली करना क्या है, अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, सिंपली इस वाले आइकन में क्लिक करेंगे, और यहाँ से दोस्तों मैं आपको 4K में मैं अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करना, सिंपली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके अपने वीडियो को करूँगा एक्सपोर्ट दोस्तों।